इस लेक्चर में हम मॉडिफाई करना सीखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बॉक्स को बनाना सीखा था। तो आज हम इस ज्योमेट्री के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको हम बनाना सीखेंगे सेम उसी ही तरीके से। तो मैं इस वाले प्रस्पेक्टिव वाले व्यूज को अल्टर डब्ल्यू प्रेस करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके अब हम इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले तो मॉडिफाई पर जाकर यहाँ पे देखो इस वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट, और जो हमारे ये सेगमेंट जो हमारी लाइंस हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस पैरामीटर्स के अंदर कर सकते हैं। तो इसकी देखो ये लेंथ और ये इसकी हाइट है, सॉरी ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट। और नीचे देखा लेंथ सेगमेंट, आप लेंथ सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। विड्थ सेगमेंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं और हाइट सेगमेंट इसको भी बढ़ा सकते हैं। ओके, और ये हमें तीन ऑब्जेक्ट डिलीट करने हैं तो कंट्रोल ए करके या तो अपने माउस से कर्सर को सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्रिएट, क्रिएट के अंदर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट के टाइप्स हैं, जैसा कि हमने बॉक्स बनाया था अब हम कौन बनाना सीखेंगे। जैसा ही मैंने माउस को क्लिक किया देखो फर्स्ट वाला जो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही, उसके बाद हम माउस को छोड़कर उसकी हाइट बढ़ाएंगे। ओके, तो कौन कुछ इस तरह से बनता है। जैसे ही बनाया गया देखो अब दूसरा माउस को यहाँ पे करेंगे तो उसकी ऊपर वाली रेडियस है वो बनाना शुरू होगी। ओके, अब मैंने माउस को छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ये हमारी पैरामीटर्स के अंदर रेडियस जो हैं इसको हम बढ़ा सकते हैं। ओके, सेकंड रेडियस है हमारे जो ऊपर, आप इससे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइट है, हाइट को भी कर सकते हैं और हाइट सेगमेंट है, सेगमेंट बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको समझ आएगी। ओके, साइड्स हैं जो साइड पे सेगमेंट बनेगा। उसके बाद जो ये स्मूथ हैं, आप देखो ये अभी स्मूथ हैं, चेक लगा पड़ा है, अगर स्मूथ का चेक हटा देंगे तो कुछ इस तरह सा होगा। देखो ये स्मूथ और कॉर्नर जैसा। नीचे जो हमारे हैं स्लाइस, स्लाइस का जो हमारा बॉक्स है, स्लाइस जब आम करेंगे तो हमारे पास स्लाइस फ्रॉम, स्लाइस टू, ये क्या होता है। स्लाइस फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट, देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म कर देते, तो स्लाइस का यही मतलब होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ से ख़त्म। ओके, ये स्लाइस। अब इस कमांड से बाहर आते हैं, नेक्स्ट टू हमारे हैं पेरेंट्स,
इसको हम बनाएंगे, ये कुछ इस तरह सा बन जा रहा है। देखो जैसा हमने बनाया तो सेम उसी तरह पैरामीटर्स इसके यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे इसकी रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसके सेगमेंट भी कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो स्लाइस ऑन सेम इसी तरह जिसको हमने इस पर थोड़ी मॉडिफाई की थी, सेम इसी तरह स्लाइस ऑन इस पर भी है। आप यहाँ पे इसको आराम से कर सकते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट, अब इस पर ये सेम उसी तरह है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इन्हें जाकर सारे बॉक्स को चेक कर सकते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर ट्यूब, ये कुछ टाइप की तरह होता है। पहले तो हमें इस माउस को डे किया और दूसरा डे करेंगे इसकी जो हमें साइज बनानी है। इसको क्लिक करके हम अब इसकी जो हाइट है वो इस तरह से बना सकते हैं। आप इन्हें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई थी, सारे पैरामीटर्स के अंदर आ जाएगी। इसके सेगमेंट हैं और स्लाइस हैं, यहाँ से तक यहाँ शुरू। आप कीबोर्ड एंट्री से भी बना सकते हैं, ये कीबोर्ड एंट्री वाई एक्सिस रेडियस कितनी रखनी है 20, 30 और हाइट 40। इसको क्रिएट किया तो यहाँ पे देखो बन गया ये हमारा। आप कीबोर्ड एंट्री से भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद ट्रायर्स हैं, ये हमारा ट्रायर्स, इसकी ऊंचाई लंबाई यहाँ पे कर सकते हैं। आप एजेस भी बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, ये तो हमारा जो टीपॉट है ये बाय डिफॉल्ट बहुत ही मशहूर पिक्चर्स हैं इस 3D मैक्स के अंदर। ओके, आप इसके सेगमेंट, अच्छा इसके सेगमेंट यहाँ से शो होंगे। ओके, इसको वायर फ्रेम में देखना चाहते हैं तो आप वायर फ्रेम यहाँ पे लिखा है तो देखो इसके आर पार नज़र आ रहा है, इसको हम वायर फ्रेम बोलते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको यही भी समझाया था कि ठीक, तो ये प्लेन है, प्लेन में भी बहुत हम कुछ चीज़ें बनाएंगे। ठीक, ये सिर्फ प्लेन है लेकिन इस प्लेन में बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल हो क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।